हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने उत्तराखंड विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और ये उत्तराखंड विषय से जुड़ा हुआ यानी कि उत्तराखंड इतिहास से मैं लगातार आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं और उत्तराखंड इतिहास में भी पंवार राजवंश से हम लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक और महत्वपूर्ण शासक पंवार राजवंश में आपके सामने लेकर आ रहा हूं और ये शासक है हमारे राजा प्रद्युम्न शाह। सन 1786 से सन 1804 ईस्वी तक पंवार राजवंश की गद्दी पर शासन करते हैं और हमने आखिरी वीडियो में देखा था जब हमने गढ़वाल राजवंश यानी कि गढ़वाल गद्दी पर राजा जयकृत शाह का अध्ययन किया था। दोस्तों उस दौरान हमने ये देखा कि राजा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे यानी कि चंद राजवंश की गद्दी पर बैठने वाले पंवार शासक पहले पंवार शासक थे। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राजा प्रद्युम्न शाह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अध्ययन किया जाएगा कि आखिर में क्या वो कारण रहे कि इन्हें वापस पंवार राजवंश यानी कि गढ़वाल में आना पड़ा और पंवार राजवंश की गद्दी पर फिर से इन्हें बैठना पड़ा, क्या वो कारण थे, तो उन कारणों पर चर्चा होगी। इसके अलावा दोस्तों पंवार राजवंश में ये ऐसे शासक हैं जिन्होंने राजधानी श्रीनगर में आखिरी शासक के रूप में शासन किया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1804 ईस्वी में गोरखों का आधिपत्य हो जाता है और इस युद्ध में यानी कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा वहाँ पर राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर गढ़वाल वाले क्षेत्र में भी लगभग 10.5 सालों के लिए गोरखों का आधिपत्य यहाँ पर भी हो जाता है। ऐसे में राजधानी श्रीनगर में जिसका इतिहास हम अजयपाल से लेकर लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो एक ऐसा समृद्ध शक्तिशाली राजवंश पंवार राजवंश आखिर में इतने लंबे समय बाद यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए शून्य अवस्था में चले जाता है और फिर हमें जो है पंवार राजवंश सुदर्शन शाह के नेतृत्व में दोस्तों सन 1815 ईस्वी में दोबारा से देखने को मिलेगा, परंतु इस दौरान इनकी राजधानी श्रीनगर ना होकर राजधानी टिहरी में हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये आखिरी शासक है राजधानी श्रीनगर के पंवार राजवंश के, इन्हीं के बारे में हमने चर्चा करनी है। एक ऐसा शासक दोस्तों जो अपने आखिरी समय तक जो है लगातार जो है चुनौतियों से लड़ता रहा, बहुत सारे जो है प्राकृतिक रूप से घटनाएं देखने को मिलेगी और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे षड्यंत्र भी हमें पंवार राजवंश में यानी कि इनके समय देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं राजा प्रद्युम्न शाह के बारे में। सबसे पहले तो राजा प्रद्युम्न शाह के बारे में चर्चा होगी यानी कि इनके प्रारंभिक काल की, जब ये गद्दी पर बैठे थे चंद राजवंश की प्रारंभिक स्थिति के बारे में। और प्रारंभिक स्थिति में दोस्तों हमारी चर्चा होगी कि जब पंवार राजवंश की चंद राजवंश की गद्दी पर थे राजा प्रद्युम्न शाह यानी कि प्रद्युम्न चंद के नाम से, आखिर में क्या वो कारण रहे कि इन्हें वापस गढ़वाल की गद्दी को या गढ़वाल की गद्दी पर बैठना पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन हो जाती है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इस दौरान गढ़वाल में जो राजा थे जयकृत शाह जी थे और जयकृत शाह के समय हमने अध्ययन किया था कि इनका जो टाइम पीरियड रहा ये पूरा की पूरा विवादों से घिरा रहा यानी कि षड्यंत्रों से घिरा रहा संपूर्ण काल राजा जयकृत शाह का। ऐसे में दोस्तों हमने अध्ययन यहाँ पर यह भी किया था कि आखिर में जो इनके सबसे विश्वास पात्र थे धनीराम जी वो भी जयकृत शाह को यहाँ पर धोखा दे जाते हैं और ऐसे में जयकृत शाह यहाँ से सीधा देवप्रयाग में चले गए थे और देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में 4 दिनों तक जो है भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इसी समय जो है पंवार राजवंश की गद्दी भी खाली हो जाती है। पंवार राजवंश की गद्दी तो खाली हो गई, अब इस समय सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पर तो चंद राजवंश की गद्दी पर प्रद्युम्न चंद नाम से गद्दी पर बैठ गया, लेकिन जो प्रद्युम्न शाह के छोटे भाई थे यानी कि राजा पराक्रम शाह, तो पराक्रम शाह इस समय गद्दी का प्रबल दावेदार था यानी कि ये सोच रहा था कि जयकृत शाह के बाद अब गद्दी पर मैं विराजमान रहूंगा। लेकिन दोस्तों इस समय गद्दी पर कौन आ जाते हैं यानी कि राजा प्रद्युम्न शाह। राजा प्रद्युम्न शाह के गद्दी पर वापिस पंवार राजवंश पर आने के क्या कारण थे, तो कुछ इतिहासकार लिखते हैं क्योंकि इसका जो यहाँ पर मंत्री था हर्षदेव जोशी बहुत ही तेज व्यक्ति था, हर्षदेव जोशी ने कहा कि महाराज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा और ऊपर से मोहन सिंह के जो है लगातार आपको आक्रमण को झेलना पड़ेगा, ऐसे में आप वापिस जाइए गढ़वाल में जहाँ पर आपका समृद्ध राज्य जो है इंतजार कर रहा है, तो आपको वहाँ का राजा होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ये वहाँ की जो है चंद राजवंश की गद्दी सौंप देता है वापिस हर्षदेव जोशी के हवाले और खुद आ जाता है इस प्रकार से पंवार राजवंश यानी कि वापिस गढ़वाल में और पंवार राजवंश की गद्दी पर विराजमान हो जाते।
तो ये वो सिचुएशन थी कि आखिर में राजा प्रद्युमन शाह क्यों और किन परिस्थितियों में वापस आए थे, तो ये हमने समझ लिया है। अब हमको यहीं से समझना, यानी कि गढ़वाल की गद्दी पर तो प्रारंभिक स्थिति इनकी अब शुरू होगी। गढ़वाल में जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब जयकृत शाह गद्दी पर थे तो लगातार षड्यंत्रों से घिरा हुआ था इनका राज दरबार इस समय। तो हमें देखना यह है कि जब ये गद्दी पर बैठेंगे तो क्या इन्हें गढ़वाल की प्रजा स्वीकार करेंगी, क्या इन्हें जो प्रशासनिक अधिकारी गण है, मंत्रीगण है, क्या वो प्रद्युमन शाह को स्वीकार करेंगे, या फिर यहां पर हमें शुरुआत में विरोध देखने को मिलेगा राजा प्रद्युमन शाह का। इसके अलावा एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी स्वयं प्रद्युमन शाह के छोटे भाई यानी कि पराक्रम शाह की, क्योंकि पराक्रम शाह के भी अब लगातार यहां पर दरबारी कान भरेंगे कि भाई अब तो गद्दी पर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि प्रद्युमन शाह तो प्रद्युमन चंद से पहले ही गद्दी पर, चंद राजवंश की गद्दी पर बैठ चुके हैं दीपचंद के पुत्र के नाम से। ऐसे में लगातार जब ये गद्दी पर वापस यहाँ पर बैठता है तो दोस्तों इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिली, और वो चुनौतियाँ क्या थी तो उसी पर हम लोग अब चर्चा करने वाले। तो आइए समझते हैं कि आखिर में जब राजा प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठे तो किन किन चुनौतियों से इन्हें निपटना पड़ा। सबसे पहले तो दोस्तों प्रारंभिक चुनौतियों में इनके समय, इस समय जो पहले ही जयकृत शाह के समय हमने दो व्यक्ति पढ़े थे, यानी कि रामा खंडूरी जी थे और दूसरा यहां पर धरणी खंडूरी। रामा खंडूरी, धरणी खंडूरी ये बहुत ऊंचे पद पर इस समय मंत्रियों के पद पर पहुंच चुके हैं गढ़वाल राजवंश में। ऐसे ये भी गढ़वाल की गद्दी को हथियाना चाह रहे तो इनका षड्यंत्र भी झेलना पड़ेगा, या फिर ये भी चुनौती है प्रद्युमन शाह के समय। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चुनौती यहां पर क्या आ रही है, दूसरी चुनौती स्वयं इसका जो अपना भाई है यानी कि पराक्रम शाह, ये भी इस समय गद्दी प्राप्त करना चाहता है तो पराक्रम शाह की चुनौती झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों इसे प्रजा की चुनौती झेलनी पड़ेगी कि प्रजा इसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, और प्रजा के अलावा दोस्तों प्रशासन या फिर मंत्रीगण की राज दरबार में भी इसे चुनौतियां झेलनी पड़ी। और दोस्तों कहा जाता है कि जब राजा प्रद्युमन शाह वापस गद्दी पर बैठते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा मुसीबत इन दो व्यक्तियों से थी, यानी कि रामा खंडूरी और धरणी खंडूरी। तो इनके लिए कहा जाता है कि इन्हें, क्योंकि भाई प्रजा के सामने अगर प्रद्युमन शाह आते ही सीधे इनकी गर्दनें कटवा देता तो प्रजा के नजरों में ऐसे भी राजा प्रद्युमन शाह कहाँ के राजा है, कुमाऊं से आए हुए, तो गलत नजरें हैं प्रद्युमन शाह की, अभी जनता की उसमें अच्छी छवि नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहां पर अब इनकी छवि तो ठीक थी, लेकिन इनकी छवि कैसे जनता के सामने धूमिल की जाए, तो इतिहासकार लिखते हैं कि संभवतः तो यहां पर जो है इनके ऊपर आरोप लगाया गया था राज सिंहासन चुराने के, और ऐसा कुछ कहा जाता है कि रात्रि को जो है पंवार राजवंश का राज सिंहासन जो है कत्यूर क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहां से इनका मामाकोट माना जाता था, या फिर कुछ लोग कहते हैं इनका विवाह वहां से कत्यूर क्षेत्र से था, तो वहां पर इन्हें पकड़ करके फिर इनकी हत्या करवा दी जाती है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं दोनों की हत्या करवा दी जाती है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं धरणी खंडूरी की हत्या हो गई, बाकी रामा खंडूरी का आगे भी हमें इतिहास में थोड़ा सा उल्लेख जरूर मिलता है दोस्तों। तो ये इस तरह से राजा प्रद्युमन शाह ने सबसे पहले अपने रास्ते में आई हुई जो बाधा थी इनको निपटाया दोस्तों। इसके अलावा अब दूसरी चुनौती कौन सी आ गई, पराक्रम की चुनौती है। भाई ये तो लगातार परेशान कर रहा है कि भाई मुझे तो गद्दी पर बैठना, आप कहां से आ गए, प्रजा लगातार कान भर रही है पराक्रम शाह के कि गद्दी पर बैठिए। ऐसे में दोस्तों ये सिस्टम तो यहां पर चल ही रहा था, लेकिन इसी दौरान यहां पर गढ़वाल में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हो जाती, और ये जो बहुत ही बड़ी घटना थी ये था इस समय गढ़वाल पर एक भयानक आक्रमण, अर्थात रुहेल या फिर कटहरों का आक्रमण गुलाम कादिर के नेतृत्व में। तो इस समय दोस्तों गढ़वाल जो लगातार षड्यंत्रों में बिजी था, प्रजा की जो इस तरह से दृष्टि थी राजा प्रद्युमन शाह के प्रति, वो सारी की सारी इस युद्ध के पश्चात हमारे पास बिल्कुल एक अलग नजरिए में देखने को मिल जाएगी। तो आइए चलिए अब सबसे पहले तो इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर में 1786 का जो गुलाम कादिर का आक्रमण था ये गढ़वाल पर कब और किस प्रकार से हुआ और इसके परिणाम क्या रहे। तो गढ़वाल पर कटेहर आक्रमण, और ये जो गढ़वाल पर कटेहर आक्रमण हुए ये दोस्तों सन 1786 का आक्रमण था, और इस आक्रमण की अगर हम लोग बात करें तो ये आक्रमण नेतृत्व में किसके हुआ था, गुलाम कादिर जी के हुआ था, गुलाम कादिर के नेतृत्व में। और गुलाम कादिर के नेतृत्व में ये जो आक्रमण था दोस्तों इतना भयानक आक्रमण था कि कहा जाता है कि इस दौरान इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, गुरुद्वारों को ध्वस्त कर दिया, अनेक गौ हत्याएं इस दौरान हुई, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि गुरु राम राय का जो
राज दरबार था वो भी इसी दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ये बड़ा भयानक इनका आक्रमण था इस दौरान, और पूरे देहरादून और उत्तरी क्षेत्र को जो है लूट कर ये लोग यानी कि गुलाम कादिर चले गया था। तो ऐसे में अब आप सिचुएशन देखिए कि राजा प्रद्युमन शाह जब पंवार राजवंश की गद्दी पर बैठता है तो ऑलरेडी आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि इससे पहले जब जयकृत शाह गद्दी पर थे तो उस समय षड्यंत्रों का काल चल रहा था, जितने भी पदाधिकारी थे मंत्रीगण थे सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया जो और राजकोष को खाली कर दिया। ऐसे में जब प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठे तो इसके पास ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी चुनौती थी, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था, और जब गद्दी पर बैठ गया है तो षड्यंत्रों से निपटने के बाद फिर इसे फेस करना पड़ा इतना बड़ा आक्रमण। और दोस्तों कहा जाता है कि इस आक्रमण से राजा प्रद्युमन शाह आर्थिक रूप से और ज्यादा कमजोर हो गया था। अब आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गया है, ऐसे में दोस्तों इसी दौरान कहा जाता है कि जब ये आक्रमण यहां पर हुआ, अब इस आक्रमण के बाद हमें थोड़ा सा स्थिति पर जाना पड़ेगा, कहां पर 1700 लगभग 86-87 के आसपास, 1786 और 87, इस दौरान फिर से एक और एक्शन देखने को मिलेगा देहरादून क्षेत्र में, और अब दोस्तों राजपूत और सिखों के द्वारा आक्रमण किया गया, अर्थात इस समय फिर से देहरादून को लूटा गया राजपूत और सिखों के द्वारा। तो प्रद्युमन शाह कहीं ना कहीं इन हमलों से और ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर होता चले गया। पहले गुलाम कादिर का आक्रमण आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, सिखों का और राजपूतों की जो लूट दून की लूट के जाम से जानी जाती है और ज्यादा कमजोर हो गया, और अब इसके बाद तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि सन 1790 ईस्वी में दोस्तों अब गोरखों ने आक्रमण कर दिया है उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर, यानी कि जो कुमाऊं वाला क्षेत्र था वहां पर गोरखों का इस समय आक्रमण होता है और कुमाऊं अधीन हो जाएगा इस समय गोरखों के। तो थोड़ा सा अब हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, यानी कि गोरखों का उत्तराखंड पर आक्रमण या फिर कुमाऊं पर आक्रमण, तो उस आक्रमण का इस दौरान गढ़वाल में राजा प्रद्युमन शाह के समय क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पर हमें चर्चा करनी है। देख लीजिए किस प्रकार से लगातार गद्दी पर बैठा है, एक के बाद एक घटनाएं इसके समय दोस्तों इस प्रकार से देखने को हमें मिल रही है। अब हमें अध्ययन करना है यानी कि कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण, कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण, और यह आक्रमण दोस्तों सन 1790 ईस्वी में इन्होंने किया था, और इसी दौरान जो है चंद राजवंश को अपने अधीन करके संपूर्ण कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था गोरखों ने। ये जो दोस्तों आक्रमण है इस समय आपको याद रखना है कि किस परिस्थितियों में ये आक्रमण हुआ है और फिर कुमाऊं में क्या स्थिति होगी और गढ़वाल में इस दौरान क्या स्थिति देखने को मिल जाती। अगर हम लोग बात करें इस समय यहाँ की, तो यहाँ पर दोस्तों चंद राजवंश जो है सन 1790 ईस्वी में यहाँ पर गोरखों का आक्रमण होगा और ये पूरा की पूरा एरिया अब सीधा गोरखा शासन के अधीन चले जाएगा। यहां पर अब गोरखा शासन है और यहां पर जो है प्रद्युमन शाह का राज्य इस समय दोस्तों चल रहा है। ऐसे में जो यहां पर सिचुएशन बनी हुई थी यानी कि जो हर्षदेव जोशी था ये अब लगातार जो है कान भरता है गोरखों के, वो कहता है कि भाई आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, सिंहासन पूरा खाली है पड़ा हुआ, यानी कि जो है राजकोष यहां पर पूरा इनका खाली है, और ऐसे में जो है आपको चंद यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, आप एक काम कीजिए आप बस सिर्फ कहां पर जाइए, पड़ोस वाले क्षेत्र में जाइए जहां पर गढ़वाल रियासत है और संपन्न रियासत है, उस पर आक्रमण कीजिए और उसे लूटिए। तो इस दौरान ये बड़ी भूल थी दोस्तों हर्षदेव जोशी की, क्योंकि हर्षदेव जोशी लगातार शुरू से ही जो है चंद राजवंश के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था, ऐसे में इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जा रहा था। अब देखिए इसने ये चाल भी नहीं भाप पाया कि जो गोरखों का आक्रमण हुआ है ये यहाँ पर जो है साम्राज्य विस्तार के लिए है या फिर लूट के उद्देश्य से। हर्षदेव जोशी सोच रहा है कि ये लोग तो पास में ही इनका अपना बड़ा राज्य है, यहाँ से जो है थोड़ा सा लूट कर ले जाएंगे वापस चले जाएंगे, तो कहता है कि भाई यहाँ नहीं वहाँ पर उजाड़िए, ये चाह रहा कि प्रद्युमन शाह को भी पूर्ण तरीके से कमजोर करके चले जाए और फिर यहाँ पर मुझे गद्दी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से किया और अब ये आइडिया भी दे दिया था हर्षदेव जोशी ने कि पास में जाइए और इस राज्य पर आक्रमण कर दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों तुरंत सन 1790 के बाद 1791 में गोरखों ने तुरंत एक्शन लिया कहाँ पर, गढ़वाल पर, और गढ़वाल पर पहला गोरखा आक्रमण सन 1791 में। तो आइए अब हमें चर्चा करनी है, देख लीजिए किस प्रकार से प्रद्युमन शाह के बाद एक के बाद एक के बाद एक घटनाएं घटित होती जा रही है। तो आइए चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं यानी कि गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण,
इसे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उसको भी आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण, ये जो गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण है ये सन 1791 और 92 का हमारे पास उल्लेखित है दोस्तों। और आइए अब हम इसे भी समझते हैं कि आखिर में ये आक्रमण किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ। तो इसे थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर में किस प्रकार से ये गोरखों का आक्रमण हमारे पास यहां पर देखने को मिलता है। देख लीजिए दोस्तों, यहां तक तो ऑलरेडी इस समय अधिकार क्षेत्र में चले गया है, यानी कि किसके, गोरखों के। कुमाऊं पर तो सन 1790 में ही इनका क्या हो चुका है, अधिकार हो चुका है। लेकिन गढ़वाल में यहां पर दोस्तों पंवार राजवंश विराजमान है, प्रद्युमन शाह है। और ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया, तो आप याद रखिएगा, हर्षदेव जोशी के सुझाव पर गोरखों ने यह आक्रमण किया था इस राज्य पर। अब हमको समझना है कि आखिर में किस प्रकार से दोस्तों यह आक्रमण हुआ। पहली बात तो आप ये समझिए कि यहां पर राजा प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठा है और हर्षदेव जोशी बली भांति जानता है कि राजा प्रद्युमन शाह किस प्रकार के राजा, यानी कि योग्य और साहसी राजा है राजा प्रद्युमन शाह। ऐसे में अगर गोरखा यहां पर आक्रमण करते हैं तो इन्हें जो है पूर्ण तैयारी से यहां पर आना होगा, तभी जाके ये लोहा ले सकते थे राजा प्रद्युमन शाह से। और ये पूरी की पूरी स्टोरी हर्षदेव जोशी इनको बता देता है कि आप लोग जो है गढ़वाल राज्य पर एक सैन्य टुकड़ी के रूप में आक्रमण ना करें, आप जो है दो दो सैन्य टुकड़ी के रूप में गढ़वाल पर आक्रमण करें, दो जगह से घेर कर आक्रमण करें, तभी जाकर जो है प्रद्युमन शाह को पराजित किया जा सकता है। और इसी प्रकार से ये लोग करते भी है दोस्तों। अब यहां पर समझिए ये लोग क्या करते हैं, यानी कि एक टुकड़ी तो यहां से गोरखों की जो पहली टुकड़ी जाती है सैन्य टुकड़ी, ये जाएगी गोरखा सरदार यानी कि गंगाराम के नेतृत्व में, और कहां से जाती है, द्वाराहाट वाले क्षेत्र में। अल्मोड़ा द्वाराहाट से सीधा आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये पहुंचती है यहां पर चमोली वाले क्षेत्र में, यानी कि चांदपुरगढ़ में। और जैसे ही चांदपुरगढ़ में इनकी ये सैन्य टुकड़ी पहुंचती है, कौन इस समय नेतृत्व कर रहा पहली टुकड़ी का, यानी कि गोरखा सरदार दोस्तों गंगाराम जी कर रहे हैं, गंगाराम के अधीन ये नेतृत्व चल रहा है। जैसे ही चांदपुरगढ़ में पहुंचते हैं तो चांदपुरगढ़ में जो है यहां पर पंवार राजवंश की सेना भी आ जाती है, और इसी स्थान पर दोस्तों चमोली में यानी कि बेणीताल नामक स्थान पर, बेणीताल में ये भयानक युद्ध लड़ा जाएगा, यानी कि प्रद्युमन शाह की सेना और फिर गोरखा जो ये शासक है, सॉरी गोरखा जो सरदार है गंगाराम जी, इन दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कौन जीता, तो आप याद रखेंगे गंगाराम जी की तो इस युद्ध में मृत्यु हो गई जो गोरखा सेनापति के रूप में थे, और साथ ही साथ गोरखों की दोस्तों इस युद्ध में क्या हो गई, पराजय हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि गोरखों ने दो टुकड़ियों के रूप में इस समय गढ़वाल पर आक्रमण किया है 1791। पहली टुकड़ी कहां से भेज रहे, अल्मोड़ा द्वाराहाट होते हुए सीधा चमोली वाले क्षेत्र से, और वहीं पर जो है चांदपुरगढ़ वाले क्षेत्र में आगे जाकर इनका युद्ध हो गया बेणीताल के आसपास, और इस युद्ध में गोरखा पराजित हो गए और यहीं पर इनका जो गंगाराम जी था ये भी मारा गया। अब दूसरी टुकड़ी देखिए, दूसरी टुकड़ी दोस्तों इन्होंने कहां से भेजी है, यानी कि सीधा कोटद्वार के रास्ते से पौड़ी गढ़वाल होते हुए और लंगूरगढ़ में। इस दौरान ये लोग लंगूरगढ़ में भी डेरा डालते हैं, और लंगूरगढ़ के साथ साथ दोस्तों कौड़िया की जो पट्टी है, कौड़िया पट्टी और लंगूरगढ़ पर ये आक्रमण करते हैं गोरखा सैनिक। और यहां पर भी प्रद्युमन शाह की सेना से लंगूरगढ़ में भी और कौड़िया पट्टी में भी बुरी तरह से पराजित हो जाएंगे, कौन, यानी कि गोरखा सेनापति, सॉरी गोरखा सेना। तो दोनों जगह पर गोरखा सेनाएं बुरी तरह से पराजित हो गई। कहां कहां पर पराजित हो गई, पहला मैंने आपको बताया जो पहली जो इनकी टुकड़ी भेजी थी वो भी पराजित हो गई, दूसरी जो टुकड़ी भेजी है ये भी बुरी तरह से पराजित हो गई। तो दोनों जगह से पराजित होने के बाद दोस्तों अब यहां से गोरखों की जो मैन महत्वपूर्ण टुकड़ी आई उसने सीधा लंगूरगढ़ पर घेरा डाल दिया। अब आपको यहां पर ध्यान देना है लंगूरगढ़ का घेरा, तो आइए चलिए अब थोड़ा सा हमें समझना है कि किस प्रकार से गोरखा सेना द्वारा लंगूरगढ़ का घेरा डाला और फिर क्या परिणाम निकलेंगे, तो उस पर हम लोग को अब आगे चर्चा करें। इतना आप समझ गए होंगे, दोनों टुकड़ियों में पराजित हो रखी है गोरखा, लेकिन इसी दौरान फिर से यहां पर ये आक्रमण करती है, और आक्रमण करते हुए अब हमें अध्ययन करना है क्योंकि यहां पर ये लंगूरगढ़ का घेरा डालेगी
तो इस पर जो है चर्चा की जाए। लंगूर गढ़ का घेरा, और ये लंगूर गढ़ का घेरा दोस्तों सन 1791 में डाला गया। इसमें थोड़ा सा समझना है, देखिए जो लंगूरगढ़ वाला क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल में, इन्होंने लंगूरगढ़ को जो है दोस्तों चारों तरफ से घेर दिया। लंगूरगढ़ किले को घेरने के पश्चात लगभग एक वर्षों तक, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक साल तक इन्होंने घेरा डाला। अंदर तो ये नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ही मजबूत था ये, तो ऐसे में इन्होंने दोस्तों लंगूरगढ़ का एक वर्ष तक जो है पूरा की पूरा घेरा डाल कर रखा। ऐसे में अब एक वर्ष हो गया है, तो कहा जाता है कि जो राजा प्रद्युमन शाह का, इसका भी जो है सनद समाप्त हो रहा है, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं जो बाहर से आती होगी, चारों तरफ से इन्होंने गोरखों ने रास्ते भी बंद अवरुद्ध कर दिए, तो इस तरह से जो है इसकी खाने की जो है वो भी खपत कम होती जा रही है। और इसके अलावा जब इन्होंने एक वर्ष तक ये लंगूरगढ़ का घेरा डाला, तो इस दौरान दोस्तों गोरखों ने बहुत ही ज़्यादा उत्पाद मचाया हुआ था इस क्षेत्र में। कहा जाता है कि इस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा आसपास के गांव को लूटना शुरू कर दिया, लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उल्लेख मिलता है कि जो सलाण वाली पट्टी थी, सलाण पट्टी, इस पट्टी को तो लूट कर इन्होंने उजाड़ कर रख दिया था दोस्तों। यानी लगातार जनता पर अत्याचार कर रही है एक साल में, और बहुत सारे गाँव, तो कहा जाता है कि इस समय गाँव की गाँव खाली हो गए, लोग जंगलों की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो इस तरह का अत्याचार था इस एक वर्ष के दौरान यहाँ पर गोरखों का। और दोस्तों फिर होता क्या है, अब जब एक वर्ष होने वाले थे, अब इसी दौरान जो है चाइना का आक्रमण हो जाता है नेपाल पर। चाइना का आक्रमण नेपाल पर हो जाएगा, तो ऐसे में नेपाल को जो है भाई इनके खिलाफ तो लड़ने के लिए भारी भरकम सेना की जरूरत, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में कुमाऊं वाले क्षेत्र में और जो गढ़वाल वाले क्षेत्र में लंगूरगढ़ का घेरा डाला कुमाऊं में, ये तुरंत नेपाल से आदेश देते हैं कि भाई तुरंत जो है सेनापति और सेना जो है वापिस यहाँ पर बुलाएं और तैनात करें, हमारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। तो यहाँ पर अब आनन फानन में जो लंगूरगढ़ का ये घेरा डाला गया, तो ये लोग क्या करते हैं, संधि के लिए यहाँ पर विवश करते हैं राजा प्रद्युमन शाह को। देखो इनको जाना तो वापस था, अब ये लोग क्या करते हैं कि चल भाई संधि करके, वरना ये यहाँ से संभव तो हो सकता था कि इसी दौरान गढ़वाल राज्य भी 91 में गोरखों के अधीन चले जाता। लेकिन दोस्तों उस दौरान जो है किस्मत से ये बच गया था, क्योंकि 91 में उन पर भी आक्रमण हो गया, तो इन्हें मजबूरन होकर वापस जाना पड़ा। तो फिर यहीं पर जो है इस दौरान ये लोग संधि के लिए बाध्य हो गए, और ये जो संधि थी, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर में संधि कौन सी थी। तो इसी संधि को उत्तराखंड के इतिहास में लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये लंगूरगढ़ की संधि कैसी रही, किसके पक्ष में रहेगी, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। लंगूरगढ़ की संधि, ये देखिए, और ये संधि दोस्तों क्योंकि एक साल तक तो घेरा डाला, तो संधि होगी ये वाली 1792। अब जब लंगूरगढ़ की संधि होगी, तो संधि में क्या किसकी तरफ झुकाओगे, तो जाहिर सी बात ये जो है संधि जो है ज़्यादातर झुकाव किसकी तरफ था, नेपाल की तरफ। जो भी है निर्णय सारे के सारे नेपाल की तरफ गए, और मजबूरन होकर राजा प्रद्युमन शाह को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा था। अब थोड़ा सा समझना यह है कि जो संधि पर हस्ताक्षर हुए, क्या राजा प्रद्युमन शाह के हस्ताक्षर थे, या किसी गढ़वाल की तरफ से और व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए। अगर हस्ताक्षर किसी और ने किए तो संधि में क्या क्या प्रावधान थे, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जो लंगूरगढ़ की संधि हुई, इस पर दोस्तों गढ़वाल की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे, ये धरणीधर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। धरणीधर के हस्ताक्षर हुए थे, पहली बात समझ गए। अब संधि में क्या प्रावधान था, तो पहला तो आप याद रखेंगे कि गढ़वाल शासक को 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में किसे देने पड़ेंगे, यानी कि नेपाल को देने पड़ेंगे, गोरखा शासक को देने पड़ेंगे, एक बार। और दूसरा क्या कर दिया, देखिए कितना तेज दिमाग है, कि एक व्यक्ति जो है पवार राजवंश के दरबार में रहेगा, और ये पवार राजवंश में जो भी निर्णय होते, जो भी गतिविधियां होती हैं, उसकी सूचना यहीं से पड़ोस में, भाई कुमाऊं में तो अधिकार है, तो कुमाऊं में जो है ये सूचना लगातार पहुंचाता रहे। तो ये संधि में इस तरह से प्रावधान किए गए, 3000 रुपये जो है पवार शासक प्रद्युमन शाह वार्षिक रूप से कर देगा, और साथ ही में एक व्यक्ति अपनी मंडली में रखेगा, कोई भी निर्णय होते हैं तो वो सीधा वहां पर पहुंचाता रहेगा। तो इस तरह से संधि करके ये चले गया। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि भाई लगातार एक के बाद एक जो है इसके ऊपर इस तरह से जो है विपत्तियां आ रही है। अब जो है प्रद्युमन शाह आर्थिक रूप से और ज्यादा कमजोर, भाई वैसे ही राजकोष खाली है, लगातार लूटा जा रहा है, तो अब इसके अलावा 3000 रुपये नेपाल शासक को भी देने,
तो ये लगातार दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं राजा प्रद्युमन शाह के समय होती आ रही हैं। और अब इसके बाद जो और महत्वपूर्ण यहां पर हमें देखने को मिलेगा राजा प्रद्युमन शाह के, कि भाई इनसे तो लगातार जो है परेशान होता जा रहा है इस तरह से सिस्टम से। अब इसके बाद यहां पर पवार राजवंश में या फिर गढ़वाल राज्य में दोस्तों एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और ये समस्या कब खड़ी आकर उठती है, लगभग 1794-95 में, यानी कि गढ़वाल में भयानक जो है इस समय क्या हो जाता है दोस्तों, अकाल पड़ जाएगा। और इस अकाल से तो पूरी की पूरी श्रीनगर की या फिर प्रद्युमन शाह की कमर ही टूट जाती, आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है इस अकाल के बाद। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं प्राकृतिक आपदा पर, और क्या ये प्राकृतिक आपदा थी और इस प्राकृतिक आपदा से क्या नुकसान उठाना पड़ा था। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा श्रीनगर का अंत आप मान सकते हैं इस आपदा के पश्चात। ये जो दोस्तों प्राकृतिक आपदा है या फिर श्रीनगर का अंत है, इसमें असल में हुआ क्या था, तो सन 1794-95 में, इसे आप ध्यान से समझेंगे, 1794-95 में एक भीषण अकाल पड़ गया था इस गढ़वाल क्षेत्र में। और इस भीषण अकाल का क्या परिणाम रहा दोस्तों, इस दौरान हार्डविक जी, एक यात्री है हार्डविक, ये गढ़वाल यात्रा पर आया था। और हार्डविक अपने उसमें लिखता है यात्रा विवरण में कि गढ़वाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय स्तर पर चली गई, यानी कि ये भी उल्लेख करता है, इसको उससे भी हमें मिलता है, और कहता है कि गढ़वाल में दुर्विश पड़ा हुआ है और गढ़वाल की जो दयनीय स्थिति, जो गढ़वाल की स्थिति, आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत दयनीय स्तर पर चली गई। तो हम सोच सकते हैं कि इस अकाल से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा राजा प्रद्युमन शाह, वैसे भी ऑलरेडी लगातार एक के बाद एक जो है इनके ऊपर इस प्रकार से जो है मुसीबतें आ रही है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो 1794-95 का है, यहां से एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है, आपसे प्रश्न पूछता है कि 51-52 का अकाल किस किस टाइम पर पड़ा था। तो 51-52 का अकाल इसे दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर विक्रम संवत में हम लोग देखें तो 1851-1852 का ये टाइम पीरियड बैठता है विक्रम संवत का। तो 1851-52 की विक्रम संवत होने के कारण इसे गढ़वाल में 51-52 के दुर्विश या फिर अकाल के नाम से भी दोस्तों याद किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत अब इसके सामने आ गई थी यहाँ पर, यानी कि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई और इस आपदा से आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से कमजोर हो गया है राजा प्रद्युमन शाह। अब देखो वहीं पर पड़ोस में जो है गोरखा राज्य है, इनको पता चल जाता है कि बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है राजा प्रद्युमन शाह, अकाल पड़ चुका है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी संधि से उलट जाते हैं, यानी कि जो 3000 रुपये वार्षिक रूप से इनकी संधि हुई है, ये लोग जो है क्या करते हैं, अब कहते हैं कि 9000 रुपये अब वार्षिक संधि होगी, यानी कि आपको 9000 रुपये देने पड़ेंगे, एक अलग से प्रेशर डालते हैं, यानी कि प्रद्युमन शाह के ऊपर प्रेशर बना रहे ताकि और ज़्यादा कमजोर हो जाए और फिर हम लोग एक छोटा सा आक्रमण करें और फिर गढ़वाल राज्य को भी अपने अधीन ले जाएं। तो जैसे ही ये अकाल की स्थिति सामने आती है, इस अकाल से जो है तुरंत बाद गोरखा सेनापति, जो गोरखा राज्य है, वो इस पर 3000 से लेकर 9000 तक ही से बढ़ा देता है, यानी कि पवार राजवंश की स्थिति और भी दयनीय होती चली जा रही है। इसके बाद दोस्तों जब ये स्थिति हो जाती है तो इस आपदा के पश्चात अब हमारे पास एक और यहां पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि उल्लेख मिलता है कि सन 1801-02 के आसपास अब गढ़वाल राज्य में फिर से देहरादून को लूट कर ले जाता है मराठा, यानी कि समय मराठाओं का भी आक्रमण होता है और ये भी जो है दून को पूर्ण तरीके से तबाह करके लूट कर ले जाते। तो एक के बाद एक, यानी कि प्रद्युमन शाह लगातार आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, जब तक सवरता है तब तक कोई ना कोई घटना आ जा रही है, या तो प्राकृतिक रूप से भी इसे कमजोर कर रही है, वरना इसे कहीं ना कहीं से जो है आक्रमणों के माध्यम से लूट कर भी कमजोर किया जा रहा है। तो 1801 के आसपास भी इसे लूट दिया। अब जो है दोस्तों लगातार जो है इनके दरबार में स्थिति डमाडोल होती जा रही, लगातार जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण इनके दरबार में जो है फिर से षड्यंत्र रचने शुरू हो जाते। ऐसे में जो इन्हीं का छोटा अपना भाई है, यानी कि राजा पराक्रम शाह, तो पराक्रम शाह इस समय दोस्तों लगभग 1803 के आसपास इस बीच में एक आक्रमण, अपनी वहीं की सेना को अपनी तरफ लेकर आक्रमण बोल देता है राजा प्रद्युमन शाह पर, और प्रद्युमन शाह को गद्दी से उतारकर स्वयं कुछ समय के लिए गद्दी पर भी बैठ जाता है।
तो पराक्रम शाह कहा जाता है कि जब इस दौरान ये गद्दी पर बैठता है तो वापिस फिर गद्दी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर कौन दिलाता है, एक तो आप फौजदार रमा खंडूरी को याद रखेंगे और दूसरे इन्हीं के बेटे प्रद्युमन शाह के यानी कि राजा सॉरी सुदर्शन शाह। तो रमा खंडूरी और सुदर्शन शाह ने फिर से जो है पराक्रम शाह से सिंहासन को वापिस छीना और वापिस प्रद्युमन शाह को इस दौरान गद्दी पर बैठाया। बाद में दोस्तों उल्लेख मिलता है कि पराक्रम शाह ने रमा खंडूरी की भी हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से लगातार स्वयं के दरबार में भी षड्यंत्र चल रहे, लगातार जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है इस समय पवार राजवंश में, और ऊपर से आर्थिक रूप से जो है इसके ऊपर इस प्रकार से कमजोर होता जा रहा है, लगातार आक्रमणों को झेल रहा है, इधर से गोरखों के आक्रमण भी हो रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसकी जो पूरी की पूरी बची अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी सारा की सारा छीन कर ले जाता है 1803 ईस्वी का भूकंप। अब प्रद्युमन शाह के समय एक भयानक विनाशकारी भूकंप आएगा और ये भूकंप जो है श्रीनगर को पूर्ण रूप से तबाह कर देगा। पहले तो प्रद्युमन शाह आर्थिक रूप से कमजोर होता चले जा रहा है, इस युद्ध के बाद तो दोस्तों प्रद्युमन शाह अब सैन्य रूप से भी कमजोर हो जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं कि इतना भयानक विनाशकारी भूकंप था कि मात्र श्रीनगर में 2400-2500 लोग बच गए थे। ऐसे में सैन्य रूप से भी बिल्कुल जो है कमजोर हो गया था। अगर कोई इस दौरान आक्रमण करता है तो भाई ये युद्ध तो करें या फिर उपचार तो करवाएं लोगों का, तो सैन्य रूप से भी पूर्ण रूप से कमजोर हो गया है राजा प्रद्युमन शाह। तो आइए फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर में जो ये भूकंप था ये भूकंप किस प्रकार से था, कहाँ इसका सेंटर था और क्या क्या तबाही हुई और क्या प्रभाव पड़ेगा इस भूकंप से पवार राजवंश में। तो अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे गढ़वाल में भूकंप पर। गढ़वाल में भूकंप, और ये गढ़वाल में जो भूकंप था दोस्तों आप इसकी पूरी तिथि याद रखेंगे 8 सितंबर सन 1803 ईस्वी को गढ़वाल में ये भयानक विनाशकारी भूकंप आया था। अगर हम लोग इस भूकंप की बात करें यानी कि इसके सेंटर के कहां पर इसका सेंटर था, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसका सेंटर था बद्रीनाथ में, और ये जो भूकंप था ये लगभग 9 तीव्रता का भूकंप था, और इतना भयानक भूकंप होने के कारण दोस्तों कहा जाता है कि 80% जो है मकान जो है ध्वस्त हो गए। इसके अलावा दोस्तों इसी भूकंप में अजय पाल का जो है महल था यहां पर श्रीनगर में वो भी ध्वस्त हो गया है, इससे प्रश्न भी पूछा गया, और साथ ही साथ पूर्ण तरीके से जो है श्रीनगर जो है आशय पर आ गया। अब ऐसे में रात्रि को जब ये भूकंप आता है दोस्तों तो इसके बाद एक बहुत बड़ी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि जैसे ही ये भूकंप आ जाता है इस भूकंप के पश्चात जो है प्रद्युमन शाह श्रीनगर को छोड़ करके अपने राज परिवार के साथ देहरादून निकल जाएगा। ये तो देहरादून निकल गया और ये जो श्रीनगर है इसे सौंप दिया है इस समय इसने मोलाराम के पास। अब थोड़ा सा यहां पर भी समझना है मोलाराम के पास। देखिए दोस्तों जो मोलाराम जी हैं, मोलाराम की बिल्कुल भी नहीं बन रही है किससे, राजा प्रद्युमन शाह से। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि जो मोलाराम जी हैं ये लगातार प्रद्युमन शाह से कहते हैं कि मुझे जो है राज दरबार में जो है मुख्य कवि का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी प्रद्युमन शाह शायद करते नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो संभव तो यही एक कारण रहा होगा कि मोलाराम की लगातार जो है अनबन बनी रहती है प्रद्युमन शाह से, और इसका लाभ जो है मोलाराम इस दौरान लेता है। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि जब यहां पर रात्रि को ये तो निकल गए अपने राज परिवार के साथ देहरादून, अब मोलाराम यहीं से जो है निमंत्रण देता है किसे, बिल्कुल बगल में ही है कुमाऊं में यानी कि गोरखा लोग, और कहता है कि बहुत ही बढ़िया स्थिति बनी है, बिल्कुल जो है श्रीनगर जो है दमेदोज हो चुका है और राजा प्रद्युमन शाह आर्थिक और सैन्य रूप दोनों रूपों में कमजोर हो चुका है, आइए आक्रमण कीजिए और गढ़वाल क्षेत्र को लूट कर ले जाइए। ऐसा मोलाराम के द्वारा इन्हें कहा जाता है, और फिर इसी दिन दोस्तों यानी कि 1803 ईस्वी में ही अब सीधा यहां पर 1803 के आसपास गोरखों का अभियान हो जाएगा गढ़वाल पर। तो आइए अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे यानी कि गोरखों के गढ़वाल पर आक्रमण की कि किस प्रकार से और किस प्रकार से आक्रमण होता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब मोलाराम ने इन्हें निमंत्रण दिया और यहाँ की सिचुएशन बताई तो इस दौरान कहा जाता है कि गढ़वाल पर अब दूसरा आक्रमण होगा, और यही वो आक्रमण था जब आखिरी बार राजा प्रद्युमन शाह इनसे लड़ेंगे और फिर ये पूरा की पूरा गढ़वाल ये भी गोरखों के अधीन हो जाए। तो आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे गढ़वाल पर गोरखों का दूसरे आक्रमण की।
दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार से एक एक सिचुएशन बनती जा रही है, कैसे प्रद्युमन शाह लगातार टूटता जा रहा है, अपनों का भी जो है लगातार जो है विश्वासघात मिल रहा है और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से भी जो है कमजोर होता चले जा रहा है। आइए अध्ययन करते हैं इस महत्वपूर्ण युद्ध पर, यानी कि गोरखों का गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण। ये जो गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण है ये सन 1803 और 4 का है दोस्तों। तो आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर में किस प्रकार से ये आक्रमण हुआ। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जैसे ही मौलाराम के द्वारा बताया जाता है कि आप आइए यहाँ पर जो है स्थिति डमाडोल हो रही है, तो दोस्तों इसी समय आपको याद रखना है सन 1803 में, ज़्यादा दूर से नहीं, बस कुमाऊँ से इनको आना है। तो यहाँ पर अमर सिंह थापा जी, और अमर सिंह थापा के साथ हस्तीदल चौतरिया, अमर सिंह थापा हस्तीदल चौतरिया, इन दोनों के नेतृत्व में दोस्तों सेना का अभियान होता है और 1803 ईस्वी में श्रीनगर को जीता जाता है। श्रीनगर विजय हो गए हैं, श्रीनगर अधीन हो गया है गोरखों के। 1803 में श्रीनगर को जीतने के बाद इनका जो अगला अभियान है ये दोस्तों देहरादून की ओर होता है, और इसी दौरान कहा जाता है कि 1803 में, ये बिल्कुल एंड की बात चल रही है दिसंबर के आसपास, और 1803 में दोस्तों ये देहरादून के कुछ क्षेत्र को भी जीत कर चले जाते हैं। ऐसे में अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि जब ये आक्रमण कर चुके हैं और राजा प्रद्युमन शाह को भी ये पता चल चुका है कि भाई गोरखों का आक्रमण हो चुका है और श्रीनगर भी हमारे हाथ से जा चुका है, ऐसे में यहाँ से जो भी इसके पास गहने आदि थे, राज सिंहासन था, ये दोस्तों लेकर चले जाता है सहारनपुर में प्रद्युमन शाह, और सहारनपुर में बेच कर आ जाता है और उससे फिर एक सेना को एकत्रित करेगा और गोरखों के खिलाफ खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं कि आखिर में किस प्रकार की स्थिति इस दौरान बनती है। देखिए दोस्तों, ये समझिए आप, यहां पर गोरखा राज्य है, ये हमारा श्रीनगर हो गया है, और हमें पता चल चुका है कि इस दौरान जो है श्रीनगर 1803 में इन्हीं के अधीन हो चुका है, और यहां से जो है रात्रि को भूकंप के पश्चात राज परिवार के साथ प्रद्युमन शाह यहां पर आया है, और यहीं से दोस्तों देहरादून से सहारनपुर में जाकर अपने राजपाठ और गहनों को बेचने के बाद इधर से हरिद्वार रुड़की होते हुए जितने भी छोटी छोटी रियासतें थी जो इनकी पहले से मित्र रहा करती थी, उन सभी को दोस्तों अपनी सेना में शामिल किया और फिर एक मजबूत सेना का यहाँ पर जो है गठन किया इनसे लड़ने के। इस दौरान दोस्तों गोरखों ने यहाँ से भी देहरादून पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और फिर यहाँ पर खुड़बुड़ा में जाकर इन दोनों सेनाओं के बीच टकराहट होती है, और ये टकराहट हमें देखने को मिलेगी कब, यानी कि 14 मई सन 1804 ईस्वी, 14 मई सन 1804 ईस्वी का वो खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसमें दोस्तों एक ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जहां पर गढ़वाल साम्राज्य यानी कि श्रीनगर में जो पंवार राजवंश क्षेत्रीय समय से लेकर चला आ रहा था ये कुछ समय के लिए शून्य अवस्था में चले जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में गोरखों की तरफ से किस किस ने भाग लिया, और फिर गढ़वाल की तरफ से किन किन में भाग लिया, और फिर युद्ध के पश्चात क्या परिणाम हुए, तो उस पर चर्चा होनी। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में जो ये खुड़बुड़ा का युद्ध था, इस खुड़बुड़ा के युद्ध के क्या परिणाम देखने को हमारे पास मिलते हैं।